नमस्कार। आज हम आठवीं कक्षा के स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक का पाठ हम पढ़ने वाले हैं। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा हूँ लेकिन मन से मैं जवान हूँ, ये लोकमान्य तिलक हमसे कहते हैं। युवावस्था में जो युवाओं का विशेष अधिकार होता है, जवानी में उत्साह होता है, कुछ करने के लिए काबिलियत होती, वही काबिलियत आज भी इस बूढ़े शरीर में मौजूद है, ऐसे लोकमान्य तिलक हमको कहते हैं। कि विचार सबल करने के लिए मैं अब भी इनकार करूँगा तो मेरे कहने के लिए ये युवावस्था में जवान हूँ एक कहने का मतलब मेरा सही ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं आज बूढ़ा हूँ लेकिन मैं युवावस्था में जो आप सभी लोग उत्साह से भरे रहते इसी तरह मैं मेरे विचार मेरे मन आज भी तरोताजा और उत्साह भरा हुआ है। लोकमान्य तिलक अपने भाषण में कहते हैं कि आत्मा अमर है और मैं बूढ़ा भी हूँ तब भी यह आत्मा की प्रेरणा से ये स्वराज्य की जो गतिविधियाँ है वो अमरूल गतिविधियाँ सुस्त चल रही हो लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन यह स्वतंत्रता जरूर मिलेगी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भावना जब तक मेरे भीतर जागृत है कोई हथियार इसे काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता और कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। लोकमान्य तिलक कहते कि उससे भी आगे मैं बताऊंगा, CID की पुलिस भी आई तब भी मैं घबराऊंगा नहीं पुलिस के सामने। ये जो आशुलिपि लेखक है मेरे भाषण को जो नोट्स करे उसके सामने मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, स्वशासन हमें मिलना ही चाहिए और भारत को ये स्वतंत्रता तब मिलेगी जब विज्ञान की परिणति राजनीति में हो। और ये विज्ञान की परिणति जब राजनीति में होती है वो ये राजनीति देश का वेद होते, बस हर एक के पास एक आत्मा होती है, मैं उसे जगाना चाहता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे अपने पास एक आत्मा होती मैं उसे जगाना चाहता हूँ लेकिन समाज में कोई कुचक्री लोग होते स्वार्थी लोग होते उसका पर्दा मैं हटाना चाहता हूँ। राजनीति विज्ञान के दो भाग होते हैं, एक दैवी और दूसरा राक्षसी। राक्षसी जो विज्ञान है वो नैतिक दृष्टिया अच्छा नहीं होता और इसका पुरस्कार करने वाले जो लोग होते वो भी राष्ट्र के पाप में भागीदार होते। कुछ लोगों में ऐसा साहस होता है कि जो बातें हानिकारक होती लेकिन कुछ लोगों में ऐसा साहस नहीं होता कि हानिकारक बातें को वो बोल सके। राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है, वो कोई अलग नहीं है। राजनीति विज्ञान में सब दर्शन समाये होते हैं। इंग्लैंड देश बेल्जियम के संरक्षण के लिए हमारा भारत का इस्तेमाल कर रहा है, वो हमें कैसे स्वशासन दे नहीं सकते, हमें तो स्वशासन मिलना ही चाहिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और राष्ट्र का आत्मा अमर रहने के लिए हमें ये सब प्रयास करने चाहिए और स्वतंत्रता स्वशासन के निकट नहीं तो हमें स्वशासन मिलना ही चाहिए, ये मैं बताता हूँ। भारतीय कांग्रेस ने स्वशासन को पास करने के लिए कहा है, प्रांतीय सम्मेलन ये कांग्रेस की देन है लेकिन आज हमें स्वशासन के लिए कुछ भी करना चाहिए, चाहे अज्ञातवास में कोई भेजे चाहे मरुस्थल में कोई भेजे, लेकिन हम मन में इतना ठानना चाहिए कि जैसा स्वयं रामचंद्र ने इस वनवास में जो सहन किया था उस तरह हम भी हमारा स्वशासन के लिए कोई भी करना हो तो प्रयास हमें छोड़ना नहीं चाहिए और मुझे आशा है कि एक दिन हमें स्वशासन जरूर मिलेगा।